गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर मैं आपके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लेकर आया हूं जो कि बेस्ड है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। क्या कह रहा है प्रॉब्लम? इफ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल। अगर आपका ए बी सी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है और आपस में क्या है अनइक्वल है, सो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इतना इज निगेटिव, तो आपको ये सॉर्ट आउट करना है। जो ये गिवन डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। वर्क करने वाली बात क्या है, जो आपको वेरिएबल दे रखा है ए बी सी वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन डिटरमिनेंट है उसे देखते हैं क्या है, जो हमारे गिवन डिटरमिनेंट है उसे एलिमेंट क्या है, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, सी ए बी, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते, थोड़ा दिमाग लगाइए क्या कर सकते इस क्वेश्चन में, हम क्या कर सकते, क्या सोच में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ना, तो आप क्या करिए ना, इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जब भी आपके टेक्स्ट बुक में हो कोशिश करिए आप कॉलम वन में या कॉलम टू में या कॉलम थ्री में सारे कॉलम को ऐड कर दीजिए। हम लोग यहाँ पर एक चेंजमेंट करेंगे इसमें कॉलम वन में, और चेंजमेंट क्या होगा, हम लोग कॉलम वन में ऐड करेंगे कॉलम टू को, ऐड करेंगे कॉलम थ्री को। बेनिफिट क्या होगा, देखिए क्या होगा बेनिफिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलम वन में कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री ऐड हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर भी ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये कॉलम टू एज इट इज रहेगा बी सी ए, और कॉलम थ्री सी ए बी रहेगा ना। अब क्या फायदा हुआ, अब कॉलम वन से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए कॉलम वन से क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहां पर क्या बचेगा वन 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 बी सी ए, और ये हो जाएगा सी ए बी। चलिए बहुत बढ़िया, अब इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हैं। क्या करेंगे, किसी भी दो एलिमेंट को जीरो कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पर चेंजमेंट किसमें करेंगे, तो आर टू में चेंज करेंगे, आर टू में हम लोग माइनस कर देंगे आर वन को, एक चेंजमेंट और करेंगे किसमें, आर थ्री में, आर थ्री में भी क्या करेंगे, आर थ्री में माइनस कर देंगे हम लोग आर वन को। चलिए करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ चुका है, आर वन में कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा, ए बी सी रहेगा, वन बी सी रहेगा। अब क्या हो रहा है, आर टू में चेंज हो रहा है, आर टू माइनस आर वन, वन माइनस वन जीरो, सी माइनस बी, सी माइनस में भी, और यहाँ पर ए माइनस सी हो जाएगा। आर थ्री में भी चेंज हो जाएगा, आर थ्री माइनस आर वन, वन माइनस वन जीरो, ए माइनस बी हो जाएगा, और ये बी माइनस सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले गिवन डिटरमिनेंट को कॉलम वन के अलावा एक्सपेंड कर देंगे। चलिए एक्सपेंड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है इंटू, हम क्या कर रहे हैं कॉलम वन के अलावा इसे एक्सपेंड कर रहे हैं वन इंटू में। अब ये वन जिस रो जिस कॉलम में उसको हाइड करेंगे, गिवन एलिमेंट को डिटरमिनेंट के टर्म में लिखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा सी माइनस में बी, ए माइनस बी, ए माइनस सी और बी माइनस सी हो जाएगा, डिटरमिनेंट प्रोड्यूस कर देंगे। चलिए ठीक है, तो अब यदि कैलकुलेट कर लेते ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, चलिए वन इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा सी माइनस में बी इंटू में क्या हो जाएगा बी माइनस सी हो जाएगा, बीच में साइन आता है माइनस का, ए माइनस में बी इंटू में क्या हो जाएगा ए माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब देखिए तो वन इंटू में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी सी हो जाएगा, माइनस में सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में बी स्क्वायर प्लस में बी सी हो जाएगा। चलिए अब इस माइनस को ध्यान में रखिएगा, ये प्लस प्लस में ए स्क्वायर, इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ए इंटू में माइनस सी, माइनस में ए सी, इस माइनस के कारण प्लस में ए सी हो जाएगा। अब माइनस ऑफ बी से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में ए बी, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी सी,
ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसे कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर देखिए प्लस में बी सी है और ये आपका माइनस ऑफ बी सी है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। चलिए रिमेनिंग लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी था, इनटू में क्या बच रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस में ए स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर, माइनस में सी स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और क्या बच रहा है आपके पास, प्लस में बी सी, प्लस में ए सी और प्लस में ए डी। तो यहाँ पर प्लस में ए बी, प्लस में बी सी और प्लस में ए सी या फिर सी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इस वाले एलिमेंट में, देखिए तो माइनस टू से इंटू कर रहा है, ठीक है, इस वाले बॉक्स में माइनस टू से इंटू कर, अगर माइनस टू से इंटू कर रहे तो माइनस टू से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस वन बाई टू से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर इंटू में क्या था, ए प्लस बी प्लस सी था, अब यहाँ पर माइनस टू से सारे एलिमेंट क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस में टू बी स्क्वायर प्लस में टू सी स्क्वायर, और जो प्लस वाले एलिमेंट है वो किसमें हो जाएगा, माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस में टू ए बी माइनस में टू बी सी माइनस में टू सी ए। चलिए ठीक है, अब थोड़ा इस वाले क्रम में ध्यान दीजिएगा, इस पूरे क्रम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे क्रम को हम लोग लिख सकते हैं माइनस में वन बाई टू इंटू में ए प्लस बी प्लस सी, इंटू में लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा इस स्क्वायर के कारण, ये भी क्या होगा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा इस स्क्वायर के कारण, ये भी क्या होगा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, और ये हमारा पहले से क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो जो आपका इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आ रहा है, इन सारे टर्म का तो वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन इस माइनस के कारण वैल्यू किसमें चला जा रहा है, माइनस में आ रहा है। तो यहां पर लिख देंगे विच इज निगेटिव वैल्यू दे रहा है आपको, क्यों निगेटिव दे रहा है, देयरफॉर यहां पर क्या लिख सकते हैं, एक हम कंक्लूजन ए प्लस बी प्लस सी हमारा क्या है ग्रेटर देन जीरो है, कोमा ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, ये भी क्या है ग्रेटर देन जीरो है, बी माइनस में सी का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू भी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, और सी माइनस में ए का होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा आपका ग्रेटर देन जीरो ही होगा। लेकिन जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसी को हमें प्रूफ करना था, क्या जो वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।